फ्रेंड्स तो आप सब कैसे हैं आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और साथ साथ मस्त भी होंगे तो सो सुबह आपने भी अगर फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किया है कोई प्रोडक्ट आपने मंगा रखा है और बाद में चाहते हैं कि आप उसको रिफंड करना है या रिप्लेसमेंट करना है या उसको एक्सचेंज करना उस प्रोडक्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं है या उसमें कुछ डिफॉल्ट हो गया है या आपके पार्सल में आपका सामान अगर किसी और का सामान आ गया है या आपने फोटो में कुछ और चीज़ देखा था प्रोडक्ट का और आपके सामने कुछ और प्रोडक्ट आया है और आप चाहते हैं बाद में कुछ को हम रिफंड करके पैसा ले लें हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप कैसे रिफंड कीजिएगा कैसे रिटर्न कीजिएगा उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ

आपके सामने यहाँ पे जो ओपन का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने अपडेट का ऑप्शन आएगा अगर आपका फ्लिपकार्ट अपडेट नहीं है तो सबसे पहले उसको आपको अपडेट करना है अपडेट कर देने के बाद उसको ओपन करना जिसे है जैसे मेरा जो फ्लिपकार्ट ऐप है अपडेट किया हुआ है हम इसको ओपन करते हैं देखिए यहाँ पे आपको भी अपडेट करने के बाद ओपन करना डायरेक्ट ओपन नहीं करना अगर अपडेट मांग रहे तो उसको पहले अपडेट करना है देखिए जिससे आप फ्लिपकार्ट ओपन कीजिएगा फिर आपके सामने कुछ ही प्रकार से इंडस्ट्रीज खुल करके सामने आ जाएगा अब देखिए यहाँ से आपका रिफंड करने का प्रोसेस तो स्टार्ट यहाँ से आप वीडियो को भी स्किप अगर पहले स्किप कर दिए तो आपसे थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा ध्यान समझिए नीचे दिख रहा है नीचे देखिए अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पर क्लिक करना है जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंडस्ट्रीज खुल करके ओपन हो गया अब यहाँ से देखिए आपको चार ऑप्शन मिल रहा है ऑर्डर हाईलाइट्स कूपन्स हेल्प सेंटर तो आपको कहाँ जाना है ऑर्डर में जाना है देखिए हम यहाँ पे ऑर्डर में आ गए और देखिए यहाँ पे लिख रहा है डिलेवर्ड टू डे अक्टूबर एक तारीख है आज आज एक तारीख को हमने एक टी शर्ट मंगाया है और टी शर्ट में कुछ फोल्ड हो गया है यानी छिद्र रहे टी शर्ट में तो हम चाहते हैं टी शर्ट के बदले हमको पैसा चाहिए तो कैसे रिफंड करना है जिस प्रोडक्ट को आपने रिसीव कर लिया है और अब बाद में उसको आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं या रिफंड करना चाहते हैं उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया है मेरे पास प्रोडक्ट कम रिसीव कर लिया देख भी लिया सब चीज़ चेक कर लिए बट इस प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए प्रोडक्ट जो कपड़ा दिख रहा है कपड़ा आया नहीं है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं आ रहा और उसके साथ साथ इसमें छिद्र भी है तो हमको इसको रिफंड करना है देखिए यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन मिल जा रहा है एक मिल रहा है रिटर्न का ऑप्शन एक मिल रहा है नीड हेल्प का ऑप्शन तो आपको क्या करना है रिटर्न करना है आपको कुछ हेल्प नहीं चाहिए रिटर्न चाहिए तो हमको रिटर्न पे क्लिक करते हैं अब देखिए रिटर्न पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ प्रकार से स्कूल के सामने आ गया यहाँ से आप पूछ रहे हैं कारण अब किस कारण से अपना जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करना चाहते हैं आगे उसके पीछे कुछ कारण है रिटर्न रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ से कारण को सिलेक्ट करना है अगर ऐसे आपके डाबा में कुछ आया है या केवल डब्बा आया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज यहाँ पे क्लिक करना है अगर आपके में कुछ डैमेज है कुछ दिक्कत है तो उसको यहाँ से देखिए रिसीव्ड ए ब्रोकन डैमेज आइटम तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है तो इसको हम क्लिक करते हैं एंड छिद्र है उसमें चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम फिर यहाँ कमेंट करना है देखिए हम यहाँ पे कोई कारण कमेंट कर दिए कमेंट करने के बाद कंटिन्यू आपको क्लिक करना है जैसे आप कंट्री पे क्लिक की कीजिएगा फिर देखिए यहाँ से क्या कर मांग रहा है वाट डू यू वांट इज़ रिटर्न आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं रिफंड करना चाहते हैं और आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो फिर इस पर क्लिक कीजिएगा की एक्सचेंज करना चाहते हैं फिर एक्सचेंज पे क्लिक की कीजिएगा और आप रिफंड करना चाहते हैं उसके बाद हमको पैसा चाहिए प्रोडक्ट बदले में कोई हमको प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमको पैसा ही लेना है तो रिफंड पे क्लिक करना है क्योंकि हमको तो इस पैसा चाहिए अब हमें कपड़ा संतुष्ट नहीं है उसमें छिदिर भी है तो हमको पैसा चाहिए रिफंड पे क्लिक कर दिए और देखिए फिर आपके यहाँ तीन ऑप्शन मिल रहा है आपका जो पैसा है किस माध्यम से आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं गिफ्ट कार्ड वैलिड बैंक अकाउंट भी यू पी आई बैंक अकाउंट तो हम जो प्रोडक्ट है बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं देखिए बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ से अगर आपका फ़्लिपकार्ट में पहले से अकाउंट ऐड है तो फिर आपको यहाँ से क्लिक करके उस अकाउंट को ऐड करना है नहीं ऐड है तो देखिए क्या करना है ऐड नहीं अकाउंट पे क्लिक करना है और आप नए नए पहली बार एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो तो प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे आई कोड डाल देना है डालने में कोई संकोच नहीं करना है कोई भी समस्या आपके साथ खड़ा नहीं हो सकती अगर आप बैंक का डिटेल देते हैं तो कोई भी समस्या नहीं हो सकती है क्यों क्योंकि क्यों? जो फ्लिपकार्ट है वो वेरीफाइड फ्लिपकार्ट है वो आपके साथ कोई फर्जी खड़ा नहीं कर सकता अगर आप फर्जी वाड़ा करेगा तो आप उस पर एफ दर्ज कर सकते हो वो भी मान्य हो जाएगा तो आई कोड डालने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है आपका जो भी अकाउंट नंबर है डाल देना है उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर उसी अकाउंट को फिर दोबारा डाल देना है अकाउंट होल्डर है जिसके नाम से अकाउंट है उस अकाउंट नेम को डाल देना है उसके बाद फ़ोन नंबर कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना अगर जो बैंक से फोन नंबर लिंक है उसको भी डाल सकते हैं अगर आपके पास जो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं उसको भी डाल सकते हैं डाल देने के बाद एड इन अकाउंट पे क्लिक करना है जिसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा देखिए यहाँ पे कंटिन्यू का लाइट ऑन नहीं है कंटिन्यू नहीं हो पाएगा देखिए तो क्या करना है देखिए एग्जिटिंग अकाउंट इस पर क्लिक करना है और उस बैंक को सेलेक्ट करना है जैसे उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा फिर कंटिन्यू का जो लाइट है ऑन हो जाएगा अब यहाँ से क्या करना है आपको कंटिन्यू कर देना है कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है सबमिट रिक्वेस्ट यानी आपका जो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं सबमिट हो जाएगा पिकअप के बाद रिफंड करना चाहते हैं हम सामान रिसीव किया उसके बाद हम उसको बदलना चाहते हैं रिफंड करना चाहते हैं उनको नहीं चाहिए तो सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है अब देखिए यहाँ जो मेरा रिटर्न सक्सेसफुल यानी जो मैंने रिटर्न किया है सक्सेसफुल हो गया है देखिए यहाँ पे डेट दिखा रहा है छः तारीख को छः अक्टूबर को जो जिस बंदा ने हमको अपना प्रोडक्ट दिया था वही बंदा आकर के प्रोडक्ट ले जाएगा जैसे प्रोडक्ट लेगा उसी समय पैसा आ जाएगा मैंने बोला था कि पैसा आपको कम मिलेगा जैसे आप प्रोडक्ट उस बंदे को दीजिएगा उसी समय जैसे वो वेरीफाई करेगा कैसे वो जैसे आप प्रोडक्ट रिसीव करते हैं वेरीफाई करते हैं आपके फ्लिपकार्ट में दिखा देता है कि प्रोडक्ट डिलीपर्ड यानी आपका प्रोडक्ट रिसीव हो गया उसी तरह जैसे आप प्रोडक्ट आपका रिसीव हो करेगा तो जैसे वेरीफाई करेगा आपके अकाउंट में पाँच मिनट के अंदर में पैसा आ जाएगा आपको वहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहा है पैसा अकाउंट में आ जाता है कोई भी दिक्कत नहीं है देखिए यहाँ पे अप्रूव प्रूवड यहाँ जो भी है मैंने रिफ़ंड किया है रिफंड मेरा हो गया है देखिए यहाँ पे सौ अब सौ का रिफंड हो गया है मेरा आज ही मैंने उसको रिसीव किया है उसके बाद सात तारीख अक्टूबर को छः या सात को मेरा रिफ़ंड हो जाएगा पिकअप छः तारीख को लेट फिर सात तारीख को रिफंड मेरा पैसा हो सकता है यहाँ से कैसा रिटर्न भी कर सकता है बाद में मूड चेंज हो गया कि नहीं हमको रिटर्न नहीं करना है तो फिर यहाँ से कैंसिल रिटर्न भी कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग ऐसा समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो में कोई समस्या आती है अगर आपको कैंसिल करने में रिफंड करने में कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिएगा उसका सलूशन आपको जरूर हम बता देंगे तो सुबह अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्प मिलती है वीडियो को एक करके जरूर कीजिएगा लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कि हमको आपको आगे सी सी पार्टी बोर्ड देखने के चैनल पर मिलती रहेगी चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए